ACCA allows you कि आप एक टाइम पे एक ही पेपर प्रिपेयर करो और उसी का एग्जाम लिखो। तो आप खुद इमेजिन करो, एक साथ चार पांच पेपर पढ़ना या एक बार में एक सब्जेक्ट का एग्जाम लिखना। हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू क्लियर ACCA एग्जाम एज कम्पेयर टू CA एग्जाम, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आपके मन में भी हो। लेट मी आंसर इट। वेल ऑफ कोर्स इन द एंड एवरीथिंग बॉल्स डाउन टू द फैक्ट कि स्टूडेंट कितना डेडिकेटेड है, कितना कमिटेड है, कितना डिसिप्लिन है अपने स्टडीज को लेकर। लेकिन वी ऑल्सो हैव सम वेरिएबल्स दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेट मी टॉक अबाउट देम वन बाय वन। पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस के ऊपर। सो इफ यू कंपेयर सिलेबस ऑफ ACCA एंड द सिलेबस ऑफ CA, दे आर एट पार, इक्विवेलेंट है। यानी कि ACCA का सिलेबस भी चैलेंजिंग है और चैलेंजिंग होना भी चाहिए। अगर चैलेंजिंग नहीं हुआ तो कोई भी कर लेगा ना, फिर आप में और किसी ऑर्डिनरी कैंडिडेट में क्या फर्क रहा। सो इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड करियर प्रोफाइल देन ऑफ कोर्स द कोर्स हैज टू बी चैलेंजिंग, सो इट इज अ गुड थिंग। या बट अगर आप पासिंग परसेंटेज पे जाओगे तो ACCA का पासिंग परसेंटेज CA के पासिंग परसेंटेज से बहुत ज्यादा है, जमीन आसमान का फर्क है। CA के पासिंग परसेंटेज के बारे में मुझे बहुत कुछ बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ACCA के ऊपर बात करता हूँ। ACCA का ग्लोबल पासिंग परसेंटेज है 40% to 50%। एट वॉल स्ट्रीट स्कूल हमारा पासिंग परसेंटेज चल रहा है अबव 60%, फॉर सम सब्जेक्ट इट इज इवन मोर देन 80%। अब सवाल ये है कि अगर करिकुलम इतना चैलेंजिंग है तो पासिंग परसेंटेज में इतना डिफरेंस क्यों? वेल द आंसर लाइज द वे दे कंडक्ट द एग्जाम। इफ यू लुक एट CA एग्जाम, वो ग्रुप में होता है, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट आपको इकट्ठे मिलकर स्टडी करना होता है, प्रिपेयर करना पड़ता है और साथ में उनका एग्जाम देना होता है। बट ACCA में ऐसा नहीं है। ACCA अलाउज यू कि आप एक टाइम पे एक ही पेपर प्रिपेयर करो और उसी का एग्जाम लिखो। तो आप खुद इमेजिन करो, एक साथ चार पांच पेपर पढ़ना, उसको प्रिपेयर करना, उनके एग्जाम लिखना, या एक बार में एक सब्जेक्ट का एग्जाम लिखना, उसकी प्रिपरेशन करना, क्या इजी है? ऑफ कोर्स एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। वहीं पे अगर आप अटेम्प्ट्स की बात करोगे तो CA साल में 2 अटेम्प्ट देता है आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए, बट ACCA देता है आपको साल में 4 बार। सो विद इन अ ईयर ACCA इज गिविंग यू मोर अटेम्प्ट टू क्लियर। सो ऑफ कोर्स इन अ गिवन ईयर आपके पासिंग परसेंटेज के चांस बढ़ जाते हैं। सो अगर आप CA में एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, या एक अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो आपके पास एक ही अटेम्प्ट है उसको रिविजिट करने के लिए। बट ACCA में इफ यू आर फेलिंग इन एनी वन अटेम्प्ट, यू हैव 3 मोर अटेम्प्ट टू गो प्रोबेबिलिटी। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन ACCA एग्जाम्स बिकम्स मोर इजी टू क्लियर एज कंपेयर टू CA। इवन दो देयर सिलेबस इज एट पार इक्विवेलेंट, स्टिल ACCA को पास करना इजी है और यही आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज भी बनता है। ऑल दिस reasons makes योर ACCA एग्जाम मच easier टू क्लियर एज compared टू CA एग्जाम। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।